हेलो दोस्तों, आज हम इनकॉर्डर के बारे में जानने जा रहे हैं। इनकॉर्डर एक तरीके का यूनिट होता है। मैं एक डिवाइस इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे लिए एक यूनिट है, डिवाइस बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ये एक यूनिट है जो क्या करता है, हमारे जो डेटा होता है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है और सिक्योरिटी पर्पस यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों में से कई लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, कई सारे डेटा मतलब ऑनलाइन ही वर्क करते होंगे। तो देखिए, एक हैकिंग नाम की चीज़ आपने सुने होंगी। हैकिंग में क्या करते हैं, वो हमारे डेटा जान लेते हैं ऑनलाइन, हमारे बारे में डेटा जान लेते हैं ऑनलाइन। जो हम टाइपिंग करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा, अपने गुरु उसका चैलेंज का नाम लिखा स्काई, SKY। तो जब वो बाइनरी टिकट में जाती है तो SKY नहीं बच जा रह जाता, उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे SKY को अगर आप देखो ना कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो कभी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में दो ही डिगिट होते हैं, 0101, उससे ज़्यादा कोई डिगिट नहीं होता है। तो जो SKY है ना, SKY स्काई, ठीक है, तो वो इंटरनेट की दुनिया में SKY नहीं रह जाता, वो बदल जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, तो जो मैसेज कर रहे हो आपने लिखा मैंने खाना खा लिया, तो अगर जब वो इंटरनेट की दुनिया में जाएगा ना, क्योंकि जैसे आप सेंड करोगे वो इंटरनेट की दुनिया में जाएगा, और जैसे इंटरनेट की दुनिया में जाएगा तो वो बदल जाएगा, वो डिगिट में बदल जाएगा, जैसे 0110 कुछ भी होगा लेकिन बदल जाएगा। तो जो बदलने का काम करता है वो इनकोडर का करता है, इनकोडर करता है। इनकोडर किस लिए यूज किया जाता है, स्पीड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। एक और बात, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए हमारी जो कंप्यूटर है यानी हमारी जो फोन है वो कंप्यूटर पे वर्क कर रही है, और कंप्यूटर उन्हें दो डिजिट ही समझ सकता है, कौन कौन सा, 0 और 1। इसीलिए हम कुछ भी लिखें, A to Z कुछ भी लिखें हम, तो उसे इनकोडर होना ही होना है। वो अपने आप को चेंज करेगा ही करेगा प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि जब तक उसे नहीं समझ आएगा वो प्रोसेस कैसे कर पाएगा, तो उसे उस वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। तो ये जो वैल्यू चेंज करता है वो इनकोडर कहलाता है। देखिए आप यहाँ पे इनपुट कितने सारे दो, ठीक है, वो अपने आप को चेंज करेगा दो डिगिट में। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, रियल नहीं, हो सकता और भी डिगिट हो, ठीक है। तो नंबर मान लीजिए आपने 4 इनपुट दिए, जैसे आपने 4 अलग अलग शब्द ले लिए, ठीक है, जैसे कोई भी शब्द ले लिए, तो आपके जो आउटपुट होंगे कितने होंगे, 2 होंगे, यानी 2 डिजिट में उसे कन्वर्ट करेगा। हो सकता अलग अलग तरीके की कोडिंग की जाती है, अलग अलग तरीके की वो की जाती है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आपका कंप्यूटर ओनली 0 और 1 पे वर्क करता है, और आप अलग अलग तरीके डेटा इनपुट देते हो, तो वो डेटा को क्या करता है, 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, तो उसे कहते हैं इनकोडर। समझ आ गया? आपका जो व्हाट्सअप है, जब वो इंटरनेट की दुनिया में जाता है ना, तो व्हाट्सअप नहीं रह जाता, बहुत बड़ी चीज़ है वो अपने अंदर ही, क्योंकि आप उसमें जो मैसेज टाइपिंग करते हो वो मैसेज चेंज हो जाता है कि कोई दूसरा पढ़ ना पाए, कोई थर्ड पर्सन उस मैसेज को पढ़ ना पाए, तो उसे सिक्योरिटी पर्पज से भी यूज किया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब इनकोडर की अगर ट्रूथ टेबल बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, हम फिर भी एक बार देखते हैं। इनपुट डेटा क्या हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी हमारे पास इनपुट डेटा 7 है, यानी 7 तरीके का अलग अलग डेटा है हमारे पास। कहने का मतलब 7 तरीके का अलग अलग डेटा है। ओके, और अगर हम ये आउटपुट में दें तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, आउटपुट में देखिए हमें क्या किया, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट इसलिए करना है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो ओनली 0 और 1 को ही समझता है। तो जब हमने 0 से लेकर 7 तक लिखा तो ये इनका एक मतलब इनके बीच में एक रिलेशन निकल गया, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ओके, और 8 नंबर होता है, यानी बेस जो होता है 8 होता है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। बस अभी इतना याद रखिए कि हमारे पास 7 इनपुट 8 इनपुट है और 8 आउटपुट निकलेंगे। तो जो इन वैल्यू थी ना, इन वैल्यू को इन्होंने क्या कर दिया, यानी इन वैल्यू को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो कि 0 को इन्होंने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0 0 0, और 1 को क्या करते हैं, 0 0 1, 2 को क्या करते हैं, 0 1 0। ये हमारा आउटपुट है, ABC हमारा आउटपुट है। आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे पास इनपुट थे ना, उसे क्या कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इस वैल्यू को हमारा कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। रियली हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को पढ़ सकता है, इन सब वैल्यू को नहीं पढ़ सकता, इसलिए इन वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना जरूरी था, क्योंकि हमारा कंप्यूटर ओनली बाइनरी की लैंग्वेज समझता है।
अब आप पूछे कि टेबल कैसे बनाया गया, तो ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल याद करने का मतलब क्या है कि हमारे पास चार टेबल दे रखे हैं, पहला डेसिमल टेबल है, उसके बाद ऑक्टल टेबल है, मतलब दो तीन तरीके की टेबल दे रखे हैं, वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इसमें ये कोई कैलकुलेशन कोई फॉर्मूला नहीं लगा रखा कि हाँ वन कैसा है, यहाँ जीरो कैसा है। जीरो को हम जीरो 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 से प्रेजेंट करते हैं, वन को जीरो जीरो वन से प्रेजेंट करते हैं, और टू को 10 से प्रेजेंट करते हैं, तो 1 और 0, 3 को 11 से प्रेजेंट करते हैं, 4 को 100 से प्रेजेंट करते हैं, 5th को 101 से प्रेजेंट करते हैं, 6th को 110 से प्रेजेंट करते हैं, 7th को 111 से प्रेजेंट करते हैं। ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। अब आपको मुश्किल लग रहा होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इतना है नहीं, कसम से अगर आप इस टेबल को 2 बार बनाइएगा तो पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट हमारे क्या आते हैं, ऑक्टल थे, तो उससे ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। ओके, इसे आगे देख लेते हैं। और ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, इसमें भी देखिए वही क्या है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 10 है, 0 से लेकर 9 तक, अगर इनके बीच में काउंटिंग करो तो टोटल बन जाएंगे 10। आउटपुट कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। इसे कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। क्या कहते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। देखिए डेसिमल टू बीसीडी यानी बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर कहते हैं। यहाँ पे डेसिमल यानी 1 से लेके 10, 0 से लेके 9 तक गिनती है, ठीक है, 0 से लेके 9 तक गिनती है, गिनती है। अब इन वैल्यू को क्या करोगे आप, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। क्यों, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। देखिए आप, हमने वही किया था ना, 0 0 0, देखिए ये वही कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा। टेबल बहुत आसान है, एक बार ड्रॉ करके देखिएगा, जब आप कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा तो अपने आप ही समझ आइएगा कैसे ड्रॉ किया गया है। तो बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे पास जो हमारे पास डेसिमल नंबर था, इसे डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक होता है, टोटल 10 नंबर होते हैं ये, इसलिए इसे डेसिमल कहते हैं। इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है। ओके, इसीलिए क्योंकि बाइनरी हमारा क्या समझता है। अब देखिए ये 9 नंबर लिखा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए कि 9 है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में टाइप किया 9, जब इंटरनेट की दुनिया में गया तो क्या हो गया, 1001, यानी इंटरनेट पर अगर उसे कोई देखेगा ना, मतलब कोई थर्ड पर्सन देखना चाहेगा, तो उसे क्या दिखाई देगा, 1001। उसे ये नहीं दिखाई देगा मैंने लिखा क्या है, उसे बस कोडिंग दिखाई देगी है। इसीलिए हैकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज रियल में होता है ना, वो वहां नहीं होता है, मतलब जो चीज हम देख सकते हैं यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन देख सकता है, वो थर्ड पर्सन नहीं देख सकता, और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कर लेते लोग। ओके, इनकोडर में हमारा कुछ नहीं होता है, हमारी वैल्यू को इनकोड किया जाता है। इनकोड का मतलब होता है एक कोड में बदल देना, इनकोड का मतलब होता है एक कोड में बदल देना, जो थर्ड पर्सन के लिए सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी पर्पज से भी यूज किया जाता है, स्पीड से भी। स्पीड से क्यों, क्योंकि देखिए इस वैल्यू से आसान ये वैल्यू है वर्क करना है। ओके, आपको शायद समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिकोडर पढ़ेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।